उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय चीख पुकार बज गई जब एक ट्रक और ऑल्टो गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इकलौते पुत्र व पुत्रवधू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना थाना तिलहर कोतवाली के नगरिया मोड़ की है, जहां कल देर रात भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सिंह यादव के इकलौते पुत्र अजय यादव व पुत्रवधु शशि प्रभा अपनी गाड़ी से किसी कार्य हेतु शाहजहांपुर आ रहे थे, तभी नगरिया मोड़ के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान अजय यादव व शशि प्रभा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सब को बामुश्किल गाड़ी से बाहर निकाला और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताते चले कि मृतक अजय यादव पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार थे, मृतका शशि प्रभा आंगनबाड़ी में कार्यरत थी। दोनों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बहू जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ती भी है तो ड्यूटी हो जाएगी, शाम को वहां से चले